हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा कि आपका ये पूरे के पूरे चैप्टर में से ना 60-70 या फिर 75% तक चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आप जाओगे इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएगा तो आप बहुत ही आसानी से उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लिए गए हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और साथ ही 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। इसमें साथ ही आपको MCQs भी मिलेंगे। आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइम जो है वो सेव हो जाए तो आप इसे वीडियो को 1.5x या फिर 2x की स्पीड पे भी आप लोग देख सकते हो। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा ताकि आप लोग उसे बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अब हम बढ़ लेते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है ना कि आपको 2 रीजन बताने हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल्स, कि मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो पी प्लांट का यूज किया था तो आखिरकार पी प्लांट का ही क्यों यूज किया गया था। सबसे पहले तो रीजन आता है वेराइटीज के बारे में और कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, मतलब बहुत सारे वेराइटीज हमें देखने को मिले और उसके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म भी मिल गए। मतलब अगर एक टॉल प्लांट है तो वहाँ पर साथ ही ड्वार्फ प्लांट भी प्रेजेंट है। अगर हमारे पास राउंड सीड है तो वहाँ पर कहीं पर जो है रिंकल सीड भी प्रेजेंट है। अगर येल्लो सीड है तो ग्रीन सीड भी है और बहुत सारे वेराइटीज मिले। इस वजह से क्या किया, पी प्लांट का यूज किया गया। साथ ही जो है इसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन बहुत ही इजीली करवा सकते हैं, मतलब हम खुद ही चाहें तो हमें इस प्लांट का पॉलिनेशन इस प्लांट से होना चाहिए तो हम उसी तरह से हम इसमें करवा सकते थे। तो ये तो हो गया सिंपल आपका। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, नेम द डिसऑर्डर विद द फॉलोइंग, आपको क्रोमोजोम नंबर दिया हुआ है कि 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम जिसमें आपका XXY है और 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम और उसमें 21st क्रोमोजोम पर प्लस में XY है, मतलब कि 21st क्रोमोजोम में एक एक्स्ट्रा है और एक XY है, तो इसे बताना है। तो आप NCERT के लास्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको 3 सिंड्रोम दिए हुए हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो जो पहला केस है कि 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम प्लस XXY, ये तो है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम का, और 21st क्रोमोजोम पर एक एक्स्ट्रा प्लस में XY, ये है आपका डाउन सिंड्रोम का। तो सिंपल आंसर हो गया। थर्ड है कि आपको कोई भी एक प्लांट का नाम बताना है और उसके फीचर को बताने हैं जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि पूरा का पूरा एक चीज़ बल्कि डोमिनेट नहीं है, बल्कि उसमें मिक्सिंग देखने को मिलता है। ये है आपका एंथेरियम मेजर्स, जो कि एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जो कि फ्लोवर कलर का, वहाँ पर देखोगे कि आपका रेड फ्लोवर है और फिर आपका कौन सा वाइट फ्लोवर है, लेकिन जब हम उसका क्या करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है पिंक फ्लोवर देखने को मिल रहा है, तो वो आपका एंटीरेंडम मेजर्स में भी ऐसा ही होता है। ये हो गया आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस। इसके बाद हमारे पास जो है कुछ MCQs हैं कि सिकल सेल एनीमिया में जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, वेलाइन के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट, कौन सा जो है वेलाइन के लिए कोड करता है, तो GGG, AAG, GAA या फिर GUG, तो ये कोड करता है GUG, तो ये तो सिंपल आपको HTs याद कर लेना है। इसके बाद है इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करोगे जहाँ पे 9:3:3:1 हमें मिलता है, तो ये क्या डिनोट करता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। द एलील ऑफ 2 जीन्स जो होते हैं इंट्रैक्टिंग विथ ईच अदर, या फिर आपका उसमें मल्टी जीनिक इनहेरिटेंस है, या फिर एक मल्टीपल एलिलिज्म के कारण हो रहा है, या फिर द एलील ऑफ 2 जीन्स आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। हाँ यही है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जो जीन होते हैं ना, मतलब एलील्स के जो जीन है, जैसे मान लो अगर जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी था शुरू में, लेकिन ये बाद में भी, पहले हमें जनरेशन में क्या मिला, सारे के सारे टॉल मिलते हैं, लेकिन बाद में क्या मिलता है हमें, वहाँ पर हमें टॉल भी देखने को मिलता है और ड्वार्फ भी देखने को मिलता है। इसी वजह से हम कहते हैं ना कि वो एक दूसरे से इनडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते, इसी वजह से दोनों के दोनों जीन आपका डी आंसर हो जाएगा। 6 है ट्राइसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाई, कि ट्राइसोमी हम कैसे लिखते हैं, तो ट्राइसोमी मतलब एक तो ऑटोसोम जो कि 2N रहेगा ही, और प्लस में कोई एक और एक आ जाता है, उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं, तो 2N+1 ये हो जाएगा। इसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन जीन इज मेजर्ड बाई, मान लो आपका ये जो पूरा का पूरा जो है DNA है, एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है और एक जीन यहाँ पे है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो हम किस यूनिट में नापते हैं,
उसे हम नापते हैं डॉब्सन यूनिट। तो सिंपल आपको याद रखना है, डॉब्सन यूनिट में ही हम जीन के बीच के डिस्टेंस को हम निकालते हैं। फिर है आपका मेंडल वर्क वाज रीडिस्कवर्ड, कि जो मेंडल का काम था वो शुरू में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, लेकिन फिर बाद में और 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने मेंडल को काम को रीडिस्कवर किया, बाद में बताया कि हाँ जो मेंडल कहना चाह रहे थे वो बिल्कुल सही था। तो वो किस ईयर में किया गया, आप एनसीईआरटी में जाओगे वहाँ पर लिखा हुआ है कि 1900 में उन जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर से मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 1900। इसके बाद आपका आ जाएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला ही है, आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द क्रोम ऑर्गेनिज्म एज मेल और फीमेल, इन विच सेक्स क्रोमोजोम आर फाउंड दैट। आपको क्या करना है कि ऑर्गेनिज्म के सेक्स को बताना है एज मेल, कि मेल है या फिर फीमेल है, किस तरह से है। अच्छा, किसे ZW इन बर्ड, ये फीमेल में होता है या मेल में होता है, आपको इस तरह से बताना है। तो बर्ड के अंदर जो होता है ना ZW, ये होता है फीमेल के अंदर, मतलब इसमें फीमेल हेट्रोजाइगट ही देखने को मिलता है। ड्रोसोफिला में XY मेल के अंदर होता है कि उसमें मेल में हेट्रोजाइगस देखने को मिलता है। वर्ड्स के अंदर ZZ फीमेल में मिलता है क्योंकि इसमें मेल में हेट्रोजाइगस होता है, ये तो होमो है, तो यहाँ पे हम कह देंगे फीमेल। और XO जो है ग्रास ओपर के अंदर, वो भी आपका मेल में देखने को मिलता है। तो सिंपल आ जाएगा, तो आप बस वहाँ देख लोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस आएगा इसमें से, तो इन्हीं में से आएगा, आप इसे कर भी सकते हो। थर्ड है, द ह्यूमन मेल नेवर पासिस ऑन द जीन फॉर, कि हीमोफीलिया के लिए, मान लो कोई ऐसा ह्यूमन है जिसके पास हीमोफीलिया है, लेकिन ये ह्यूमन जो है कभी भी अपने सन को हीमोफीलिया नहीं प्रोवाइड करेगा। द ह्यूमन मेल नेवर पासिस ऑन द जीन फॉर क्रोमोजोम टू हिज सन, ऐसा क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया का जीन जो होता है किस पर प्रेजेंट होता है, XY। मान लो कोई मेल है XY, इसमें हीमोफीलिया का जीन है, लेकिन हीमोफीलिया का जीन हमेशा क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम पर ही प्रेजेंट रहता है। तो हमने XH लिख दिया, हमने XH और Y, कि जो हीमोफीलिया के लिए क्या है, एक्स पर ही प्रेजेंट होता है। लेकिन कोई भी मेल जो है एक्स क्रोमोजोम जो है अपने जो है सन को कभी भी एक्स क्रोमोजोम नहीं देता। अगर कोई भी मेल है तो उसका जो एक्स क्रोमोजोम है आने वाले जनरेशन में उसके मतलब कि डॉटर को ही जाएगा। इसी वजह से हम कह देंगे कि कोई भी मेल है ये बाई क्रोमोजोम ही उसके सन के अंदर जाएगा। तो बाई क्रोमोजोम पर तो हीमोफीलिया है ही नहीं, इसी वजह से कभी भी मेल जो है अपने सन को हीमोफीलिया नहीं पास करेगा, बल्कि ह्यूमन मेल जो है एक्स क्रोमोजोम अपने डॉटर को पास करेगा। तो वो अपने सिर्फ डॉटर को पास कर सकता है, ना कि सन को, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है, विच लॉ ऑफ मेंडल इज यूनिवर्सली, कि मेंडल का कौन सा लॉ बिल्कुल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, कोई भी उसमें कोई भी बुराई नहीं, आपको दो आपको उस लॉ के बारे में अच्छे से बताना भी है। ये था मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये बिल्कुल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था। इसका कहना था ना कि कोई भी जो जीन के दो एलील हैं, जीन के दो एलील जो होते हैं वो हमेशा सेपरेट होते हैं, अब वो कभी भी एक दूसरे के साथ कॉन्टामिनेट नहीं करते। मतलब अगर मान लो एक्स बाई क्रोमोजोम है तो ये दोनों के दोनों सेपरेट होंगे ही, एक्स अलग जाएगा बाई अलग जाएगा, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो जाएंगे कभी भी। तो यही बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, कि कोई भी जो गैमेट के अंदर जब उसके जो जीन है जब वो सेग्रीगेट होते हैं सेपरेशन होते हैं तो बिल्कुल भी आपके 50-50% ही सेग्रीगेट होगा। मान लो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इससे अगर आपके दो गैमेट बनते हैं तो एक में कैपिटल टी और एक में स्मॉल टी रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक गैमेट के अंदर दोनों की दोनों, ये एक्सेप्शन है लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल सेग्रीगेशन होगा, 50-50% ही दोनों में जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बिल्कुल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट म्यूटेशन, और एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मतलब जैसे DNA का यहाँ पे है जो कि ATGC, A के सामने T और T के सामने आपका AC और G, ये मान लीजिए 3' है, ये 5', और यहाँ पे है आपका 5', और ये है आपका 3', हमने यहाँ लिख दिया। अब इसमें क्या है, पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल पेयर ऑफ DNA की DNA का चेंजेस, इसमें जैसे यहाँ पे चेंजेस मिल गया कि भाई ये जो है इधर आ गया ये इधर चला गया, इस तरह का जो शिफ्ट होते हैं वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा या तो डिलीट हो जाना, मान लो ये दोनों चीज़ डिलीट ही हो गया तो ये पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट हो गया, तो इसी वजह से हमारा क्या कहता है डिलीशन ऑफ, या तो डुप्लीकेट हो गया या कुछ चीज़ें ऐड हो गई यहाँ पे जी, दो आपके जीन आकर के ऐड हो गए, इस तरह के जो होते हैं वो आपका होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
पॉइंट म्यूटेशन जो सिंगल बेस पेयर है कि डीएनए का जो सिंगल बेस पेयर है कि टी और ए, इसमें चेंज आ गया कि टी की जगह ए हो गया, ए की जगह टी हो गया, इस तरह का जो होता है वो आपका पॉइंट म्यूटेशन होता है। इसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन है कि एक वोमेन है जिसका कि ओ ब्लड ग्रुप है, उसने एक मैन से शादी की जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, वर्कआउट की कौन कौन से पॉसिबल फिनोटाइप जीनोटाइप जो है आने वाले प्रोजेनी में रहेंगे, डिस्कस द काइंड ऑफ कि किस किस टाइप के डोमिनेंस जो है पेरेंट्स और प्रोजेनी में देखने को मिलेगा। तो अगर ओ और ए बी है तो हम उसका क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर ओ है यानी कि स्मॉल आई, ए बी है तो हम लिख देंगे आई ए और आई बी, तो इससे आपका क्या बनेगा आई ए आई आई बी आई, और इससे आपका बनेगा आई ए आई और इससे बनेगा आई बी आई। इससे क्या हुआ कि आपका जो ब्लड ग्रुप ए बी है मतलब इसमें आपको सिर्फ दो ही टाइप के प्रोजेनी देखने को मिलेंगे, मतलब यह तो ब्लड ग्रुप ए होगा ये वाले, या तो ब्लड ग्रुप बी होंगे, तो प्रोजेनी बिल भी या तो आई ए आई या फिर आई बी आई, सिर्फ यही देखने को मिलेगा। ब्लड ग्रुप ए बी में आई ए आई बी और ओ ग्रुप होते हैं जिसका कि हम क्रॉस करवाते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ आई ए आई और आई बी आई ही आपके प्रोजेनी में देखने को मिलेंगे, मतलब ए ब्लड ग्रुप या फिर बी ब्लड ग्रुप। और जो ए ब्लड ग्रुप है और बी ब्लड ग्रुप है वो इक्वली डोमिनेंस है, मतलब को डोमिनेंस में शो कर रहे हैं। इन मल्टीपल एलील्स में द जीन आई एग्जिस्ट इन थी, और जो अगर मल्टीपल एलिज्म की बात करो तो उसमें तो आपको आई ए आई बी और आई तीनों ही होते हैं, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में सिर्फ इनमें से कोई दो ही पाया जा सकता है। तो सिंपल हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन है, इन एंटीरेनम मेजर से प्लांट विद रेड फ्लोवर बाज क्रॉस विद ए प्लांट, की एक प्लांट था रेड फ्लोवर, उसे हमने क्रॉस करवा दिया व्हाइट फ्लोवर के साथ, और आपको उसे पॉसिबल जीनोटाइप और फिनोटाइप बताने F1 में और F2 जनरेशन में। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ से देख लेते हैं, बाद में आप इसे इस तरह से लिख भी सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्नैप ड्रैगन या फिर एंटीरेनम मेजर्स बात एक ही है, उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, जिसमें कि हम रेड फ्लोवर और व्हाइट फ्लोवर प्लांट का क्या करवाते हैं, हम फर्टिलाइजर करवाते हैं, वहाँ से हमें पिंक ही मिलता है, वो क्या होता है एक तरह से इंटरमीडिएट होता है। वापस हम फिर सेल्फ जब करवाते हैं तो वहाँ पर 1:2:1 जो है रेड पिंक और वाइट के बीच में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रक्चर बना रखा हमने, रेड था कैपिटल आर वाइट था स्मॉल आर, इसके गैमेट बने कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन में वो आपका फर्टिलाइजेशन करने के बाद सारे के सारे पिंक बन गए कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब हमने वापस इसकी सेल्फिंग करवा ली, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे आपको जो है 4 मिले, मतलब एक रेड मिला कैपिटल आर, एक आपका वाइट मिला स्मॉल आर, और दो आपके मिले पिंक कैपिटल आर स्मॉल आर। फिनोटाइप की बात करो तो हमारे पास या तो रेड है या पिंक है या फिर वाइट है, तो 1:2:1। जीनोटाइप में या तो कैपिटल आर, या तो कैपिटल आर स्मॉल आर, या फिर स्मॉल आर, और ये भी 1:2:1 में ही प्रेजेंट है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इन एन क्रॉस मेड बिटवीन ए हाइब्रिड टॉल, एक हाइब्रिड टॉल था टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, उसे ड्राफ्ट और वाइट फ्लोवर मतलब कि स्मॉल टी और स्मॉल आर के बीच में क्या करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया। इसमें आपको F1 जनरेशन में बताना है कि F1 जनरेशन में क्या चीज़ हमें मिलेगा। फिर हम यहाँ देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास था कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें तो एक ही टाइप का गेमेट बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल आर, इसमें बनेंगे आपके 4 टाइप के गेमेट कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। हमने रख दिया इन चारों को एक तरफ और इसे एक तरफ, इसके बाद हमने क्या किया इस तरह से हमने लिख दिया जो कि आपका बन गया कैपिटल टी स्मॉल आर। इसी तरह से हमने यहाँ चारों बना दिए जो कि टॉल और रेड हो गया टॉल एंड वाइट, ड्वार्फ एंड रेड ड्वार्फ एंड वाइट, मतलब फिनोटिपिक रेशो जो है इसका 1:1:1 आपका यहाँ पर आ गया है। ये हो गया। इसके बाद आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है सिंपल हमसे कह रहा है कि एक डाई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस राउंड येलो सीड है, क्या हो गया राउंड येलो सीड है,
पाइसम सी टाइप। अब ऐसा नहीं कि आपने सीधा देखा कि हाँ भाई राउंड येलो सीड है, मतलब कि डाई हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, सीधा जो एनसीईआरटी में डायग्राम है आप उसे बना दोगे। नहीं, आप पहले पढ़ोगे कि क्या पूछा जा रहा है। इसे क्रॉस किया गया है डबल रिसेसिव प्लांट के साथ। डबल रिसेसिव प्लांट मतलब कि स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसे इस चीज के साथ जो है फर्टिलाइजेशन करवाया गया है, इस चीज के साथ हाइब्रिड बनवाया गया है, ना कि सिंपल आपने एक बार देखा कि हाँ भाई डाई हाइब्रिड का है तो जो एनसीईआरटी में आपका डायग्राम बना हुआ है पूरा पूरा एक पेज पर आपने उसे बना दिया। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि किस किस के बीच में जो है इस तरह से आपका जो फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर हम बना लेते हैं। एक तो हमारे जो शुरू में था जो राउंड आपका राउंड येलो सीड था, तो हमने क्या कर दिया, राउंड येलो सीड से हमारे चार गेमेट बने, और वो जो आपका क्या था रिसेसिव प्लांट था डबल रिसेसिव, उससे एक टाइप का गेमेट बना। एक टाइप का गेमेट हमने यहाँ रखा, चार टाइप की गेमेट यहाँ रखे, इससे हमारे जो है चार जो है प्रकार के आपको प्लांट मिल गए। कौन कौन से, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन, सारे के सारे 1:1 में, फिनोटिपिक भी और जीनोटिपिक भी। ओके, इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट है कि वर्क आउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी। वो तो हमने लिख दिया, हमने जीनोटाइप भी बना दिया और फिनोटाइप भी बना दिया, हमारा ये रहा जीनोटाइप और फिनोटाइप। कि व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मेंडल इज इलस्ट्रेटेड, कि इस रिजल्ट से जो है कौन सा मेंडल का प्रिंसिपल जो है इलस्ट्रेट किया गया है, तो ये इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो कर रहा है कि चीज़ें जो है डिपेंडेंट नहीं है, वो इनडिपेंडेंटली ही उसमें है, मतलब उसमें वो चीज़ है, कि मतलब इसका मतलब है कि हमें दिख नहीं रहा है पर उसके अंदर जीन में जो है वो प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मान लो वही हम बात कर लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, हमें दिख तो रहा है कि टॉल प्लांट है, लेकिन जब हम इसकी सेल्फिंग करवा रहे हैं तो ड्वार्फ भी आ रहा है, यानी कि वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, उसके अंदर जीन प्रेजेंट हैं पर वो बाहर दिख नहीं रहे, वही आपका हो जाता है इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।